वेलकम गाइस, मेरा नाम विदेन जमीन और आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि फिल्मोरा वंडर शेल से आप कैसे वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें वंडर शेल ओपन करना है। वंडर शेल ओपन करने के बाद डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे वीडियो आपको इनपुट करना होगा, तो चलिए इनपुट करते हैं। मैं ये वीडियो आपको इनपुट करके दिखा रहा हूँ। ओपन किया, इस वीडियो को ओपन करने के बाद आप इस वीडियो को यहाँ से यहाँ ला कर छोड़ दीजिए ताकि आप एडिट कर सकें। तो फर्स्ट जो तरीके हैं वो आप क्रॉप करके कर सकते हैं। तो क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ क्रॉप एंड जूम इस पर आना पड़ेगा। आने के बाद क्लिक कीजिए। क्लिक करके आपके यहाँ पे इस बाजू में ऊपर में नीचे में कहीं पे भी अगर कुछ वाटर मार्क्स आ रहा होगा तो आप क्रॉप करके इसे डिलीट कर सकते हैं। ऊपर से क्रॉप कीजिए, डिलीट हो जाएगा। नीचे से क्रॉप कीजिए, डिलीट हो जाएगा। तो इसके बाद ओके कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है वो है अमेजिंग लैब वाटर मार्क को डिलीट कर सकते हैं। तो वो कैसे, यहाँ आप देख रहे हैं पावर टूल, इस पावर टूल पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आइए। आने के बाद देखिए यहाँ मैजिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर अप्लाई, इसके बाद ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ देखिए आप ये फिल्मोरा ये पूरा यहाँ तक लाइए, ऊपर लाइए, ऊपर इस तरफ नीचे लाए, इसके बाद ओके कर दीजिए। देखिए ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे वाटर मार्क जो था फिल्मोरा वो नहीं आएगा। सो गाइस, अगर इस वीडियो देख के आपको अच्छा लगा तो जल्द ही मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भेजता रहूँगा आपको, आप सभी के लिए बहुत सारा मोबाइल टिप्स, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी हो, बहुत सारा अमेजिंग टिप्स आपको भेजता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।